दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद दूसरे वनडे मैच में ऐसा तांडव भारतीय खिलाड़ियों ने मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े हो गए। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने मिलकर श्रीलंका के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। तो आखिर कैसे इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक नजर आई श्रीलंका की टीम? किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के? किसने बनाए कितने रन? कैसे रोहित और ऋषभ पंत ने मिलकर तोड़ दिए सारे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड? इन दोनों की तूफानी पारी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया, लेकिन एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने हुई। दूसरा वनडे मुकाबला खेलने के लिए कोलंबो के मैदान पर उतरी इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के लिए ये फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम के सामने 50 ओवर में 350 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। श्रीलंका की तरफ से पथुमा निशंका ने 130 रनों की पारी खेली, तो वहीं कुशल मेंडिस ने 100 रन बनाए और अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया और भारत के सामने कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये लक्ष्य देखकर भारतीय फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश थे, क्योंकि ये लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब हुई। शुभमन गिल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को पहला झटका बहुत जल्द लग गया। अब मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे और रोहित शर्मा पहले ही ओवर से श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर चुके थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। फर्नांडो से लेकर हसरंगा, अकेला धनंजय, हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वेलालागे ने ओवर में माने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार तीन छक्के जड़कर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय साझेदारी बना ली। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर जमकर टैंडम मचाया, जिसे देखकर लंका के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो गए। रोहित शर्मा का भरपूर साथ ऋषभ पंत भी भरपूर निभा रहे थे, चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने शतक भी ठोक दिया, वहीं ऋषभ पंत भी अपने शतक के बहुत करीब जा पहुंचे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। भारत का स्कोर इस ओवर में 240 रनों तक पहुंच चुका था। हसरंगा की गेंद पर ऋषभ पंत ने खतरनाक अंदाज में दो छक्के जड़कर अपना शतक ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी जीत के लिए काफी रनों की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत श्रीलंका के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। ऋषभ पंत वेलालागे की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं रोहित शर्मा तो घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा खा रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि आज उनके सिर पर खून सवार है। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मैदान पर टांडम बचाना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रॉकेट की रफ्तार से रन बना रहे थे, बेहतरीन अंदाज में जीत को दहलीज तक पहुंचा दिया और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने तो केवल 120 गेंदों पर ही अपना तूफानी 150 रन ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी। अब भी मैदान पर विराट कोहली और ऋषभ पंत टिके हुए थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 280 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। हर किसी की निगाहें इन दोनों ही खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी। टीम इंडिया के लिए 49वां ओवर लेकर आए हसरंगा के ओवर में ऋषभ पंत ने तो अकेले ही 32 रन ठोक दिए और इसके साथ ही ऋषभ पंत ने भी अपना 150 रन पूरा कर लिया। अब टीम इंडिया को ओवर में एक ओवर में जीत के लिए 6 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। हर किसी की सांस थम चुकी थी, हर कोई फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था। श्रीलंका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज। स्ट्राइक पर मौजूद थे रोहित शर्मा। मोहम्मद सिराज के पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का चल दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंद में 12 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। भारतीय टीम की जीत आसान हो चुकी थी और 4 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन सिराज की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा एक भी रन नहीं बना पाए। मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी। वहीं मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा एक रन बटोर लिए और ऋषभ पंत को स्ट्राइक पर भेज दिया। अब 2 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 7 रन
रनों की जरूरत थी। सिराज की पांचवी गेंद पर ऋषभ पंत ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया। अब टीम को जीत के लिए एक गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। हर किसी की निगाहें ऋषभ पंत पर टिकी हुई थी। वही ऋषभ पंत अलग अंदाज में दिख रहे थे। मोहम्मद सिराज की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़कर और टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में ऐतिहासिक जीत दिला दी। ऋषभ पंत 178 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं रोहित शर्मा 160 रन बनाकर नॉट आउट थे। श्रीलंका के खिलाफ अभ्यास मैच में भारत में शानदार जीत अपने नाम कर ली। तो दोस्तों देखा, पहले ही मैच से जीत दे दी। ऐसी ही शानदार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।